देख लो भाई, यूएस जाने के लिए किस किस रास्तों से होकर जाना पड़ता है। अगर आप पकड़े जाते हैं और आप फंस जाते हैं तो आपकी जान का भी खतरा होता है, और कोई भी भाई शॉर्टकट के चक्कर में पैसे वेस्ट ना करें, जंगल जंगल से होते हुए जाता है। और वो सामने जो बिल्डिंगें हैं वो यूएसए के अंदर है। फाइनली होटल छोड़ने का टाइम आ गया, क्योंकि मेरी यहाँ पे बुकिंग 3 दिन की थी इस होटल में, अब मैं यहाँ से दूसरा होटल बुक किया है मैंने, एयरपोर्ट के पास में ही है, तो मैं वहाँ के लिए निकल रहा हूँ। सबसे पहले जाके ब्रेकफास्ट करता हूँ और चेकआउट करके अपना रिफंड वो लेता हूँ। कंप्लीट, तो रख सकते हैं अपनी दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ, मतलब कि दूसरे होटल की तरफ। उसके बाद मैं यहां से जाऊंगा, फिर आप लोगों को लेकर के जाने वाला हूं नाइग्रा फॉल। और आ गए भाई हम नाइग्रा फॉल, और वो सामने दिख रहा है वो स्काईलाइन टावर है। ये है स्काई वॉक टावर, और यहाँ से आपको यूएस और कनाडा दोनों ही पूरा दिख जाता है, और यहाँ से नाइग्रा फॉल का भी बहुत ही अच्छा व्यू आएगा। अगर आप इधर आ रहे हैं तो आप इसको ज़रूर ट्राई करो। अराउंड 1100-1150 रुपए का है इसमें ऊपर जाने का टिकट, और आप उसमें 1.5-2 घंटे ऊपर बिता सकते हो आराम से। देख लो भाई, यूएस जाने के लिए किस किस रास्तों से होके जाना पड़ता है। मेरे पीछे देख रहे हो, जंगल ही जंगल है, और मैं यहाँ से जंगल के रास्ते ना अब मैं यूएस में एंटर करने वाला हूँ। अरे भैया मजाक कर रहा हूँ, यूएस में नहीं, ये नाइग्रा फॉल के लिए रास्ता है, और ये यहाँ से जंगल जंगल से होते हुए जाता है। कोई भी भाई शॉर्टकट के चक्कर में पैसे वेस्ट ना करें, और तरीके से आप वीज़ा लगा करके आएं। जैसे मैं आया हूँ, और आप लोग भी वैसे ही वीज़ा लगवा करके आएं तरीके से, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से, क्योंकि अगर आप पकड़े जाते हैं और आप फंस जाते हैं तो आपकी जान का भी खतरा होता है, और अगर पकड़े जाते हैं तो आपको जेल भी हो सकती है। इसे देखने के लिए भाई पूरे चार घंटे पूरा ट्रैवल करके आया हूँ, 4 के पूरे 4.5 घंटे, वो भी बस में, क्योंकि ऊबर से आता तो तकरीबन $200 के करीब एक तरफ का है। तो मेरा मानना ये है कि आप ना बस में ट्रैवल करो, क्योंकि बस में ट्रैवल करने का एक फ़ायदा ये है कि आप लोग एक तो सिटी को एक्सप्लोर करोगे। देख रहे हैं मेरे पीछे आप, वो सामने गजब नजारा है भाई, फटाफट जल्दी 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 आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ।
अब भैया यहाँ से निकल जाएंगे क्या? ओके फाइन, क्या बात है भैया, क्या बात है, क्या बात है भैया, देख लो भाई, देख लो सारे, देख लो, ये है नायगरा फॉल। और भी गजब नजारा है, देखो देख लो भाई नजारे, क्या जबरदस्त नजारे हैं। और ये जो मेरे पीछे आप बोट देख रहे हैं, जो बोट चल रही है, इस बोट में आप भी घूम सकते हैं, लेकिन जो बोट का घूमने का है वो तकरीबन 15-15 हज़ार रुपये का, तो मेरे हिसाब से कोई वर्थ नहीं है, क्योंकि वो नीचे ले जाते हैं और वहाँ पे बिल्कुल झरने के पास में, और आपको वहाँ से ग्राउंड घुमा करके वापस ले जाते हैं। तो अगर आपको मन है तो जा सकते हो, बट बस यही है कि आपको थोड़ा सा वो कि वो आपको होटल से पिकअप करेंगे और आपको होटल ही ड्रॉप करेंगे। थोड़ा सा भाई सामने आप वहाँ देख रहे हैं, ये वहाँ पे भी लोग देखने आए हुए हैं, और ये वहाँ पे भी लोग देखने आए हुए हैं। तो वो जो पार्ट है वो यूएसए का है, अमेरिका का, और वो सामने जो बिल्डिंगें हैं वो यूएसए के अंदर है। तो जो तो एक पार्ट है वो कनाडा में पड़ता है और एक पार्ट जो है वो यूएस में पड़ता है। जो ब्रिज है आप वहाँ से बाई कार यूएस में भी एंट्री कर सकते हैं, अगर आपके पास यूएस वीज़ा है या आप कैनेडियन सिटीजनशिप में है तो, अदरवाइज आप नहीं जा सकते। लाइव रेनबो या दोनों तरफ देखो, अगर आप नायगरा फॉल आते हैं तो आप नायगरा फॉल के पास में ही देखो, यहाँ पे ना एक वीगो बस स्टैंड है ये, और यहाँ से आपको जो है बस मिलेगी ग्रीन वाली, ग्रीन लाइन पे चलने वाली, जो खाली वीगो की चलती है, जो आपको यहाँ से लेकर के जाएगी अगले स्टैंड पे, जो इसका मेन बस स्टैंड है वहाँ पे उतर जाना, और वहाँ से आपको टोरंटो के लिए बहुत सारे बसों के ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आप बस से भी जा सकते हो। और एक फ्लैक्सी बस करके चलती है, वो अराउंड $48 के करीब लेती है, तो आप उसमें भी जा सकते हो। और वहाँ पे टोरंटो से कई बार बहुत सारे होटल्स हैं और बहुत सारे ट्रैवल एजेंसियाँ हैं जो आपको अराउंड $100
$100 प्लस जो उनका टैक्स है 13%, उसके साथ भी वो आप लोगों को यहाँ से लाना और ले जाना और घुमाना आपको कर सकते हैं। फ्लैक्सी बस है जो अराउंड $48 लेती है टोरंटो के लिए, और एक अभी वीगो की बस आ रही है उधर से, वो मैं दिखाता हूँ आपको, जिससे जो आपको यहाँ से आपको बस स्टैंड पे ले जाएगी। बस स्टैंड से आपको गो ट्रांजिट की बस मिलेगी टोरंटो के लिए। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो कि वो आ रही है रेड एक्सप्रेस। और भाई वीगो से जाने के लिए एक चीज़ और भी अभी मुझे पता लगी है कि आपको यहाँ से उसका अलग ही पास परचेज करना पड़ता है। ये सिंगल ट्रिप का है $8 का, जो मुझे यहाँ से बस स्टैंड पे लेके जाना पड़ेगा, जाना है। और अगर आप वापस आते हैं यहाँ पे आने के लिए, तो आप $16 का एक सिंगल आने और जाने के लिए आप बनवा सकते हैं। तो वही है, कोई बात नहीं, आप सिंगल बनाओ या डबल बनाओ, प्राइस तो वही है। तो मेरे हिसाब से ठीक है, $8 अलग ही। अगर